गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। क्या था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्या था रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। एल क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर कल हम कर चुके थे काम, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए हमारे पास क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो क्या थे हमारे पास? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। हमने कहा था रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स के अंदर आयंस की एटम्स की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। तो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ किस लिए था? कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे, तो बीच में वो उन एटम्स और आयंस के साथ कोलाइड हो रहे थे। ड्यू टू देयर कोलिजन उन्हें क्या फील हो रहा था? एक अपोज फील हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा था, और उसी से क्या हुआ था? हमें रेजिस्टेंस फील हुआ था। तो कह रहा है मेटीरियल के अंदर अलग अलग कंसनट्रेशन होगी एटम्स और आयंस की, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? अलग अलग होगा। और तो किस पर डिपेंड करेगा? मेटीरियल पे। तो वहाँ से हमने क्या नाम दे दिया इसको? रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटीरियल। यहाँ से बेटा हमने देखा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि इफ इफ लेंथ इंक्रीजेज, इफ एल इंक्रीज, देन आर इज ऑल्सो इंक्रीज। सेकेंड क्या था हमारे पास? एरिया। इफ एरिया इंक्रीज देन आर इज डिक्रीजेज। आर क्या हो जाएगा हमारा? डिक्रीज हो जाएगा। और थर्ड थर्ड क्या हमारे पास? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। इफ रो इंक्रीजेज देन आर इज ऑल्सो इंक्रीजेज। ये तीनों फैक्टर हमें मिले। हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करते। कहता है इफ एल इज इक्वल टू वन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वेयर, देन आर इज इक्वल टू रो। तो आर हमारा रो के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एल 1 हो जाए, ए बी 1 हो जाए, तो आर किससे इक्वल हो जाए? रो के। यहाँ से हम इस रेजिस्टिविटी रो को डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। रो आर के तो इक्वल है। कौन सा रेजिस्टेंस है? जब हमारे जिसकी लेंथ कितनी है? 1, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है? 1। डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर अगर एल बी 1 है, ए बी 1 है, तो रो हमारी आर के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। हमने क्या कहा था? यहां से हम रो को निकालते हैं। तो रो एक तरह से क्या है बेटा? रो अगर हम निकालें तो ए मल्टीप्लाई में एल डिवाइड में, देन रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या आ गया हमारे पास? आर ए बाई एल। अगर हम निकालें इसकी यूनिट, यूनिट ऑफ रो, तो रो का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? आर ए बाई एल। तो रो क्या हो जाएगी? आर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ए एरिया यूनिट मीटर स्क्वेयर अपॉन लेंथ। लेंथ क्या है हमारे पास? मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रो की यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। रो की यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। अगर हम निकालें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो, तो रो एक तरह से हमारे पास क्या आया है? रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। कल हमने रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाली थी। क्या आया था रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला? एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू इन टू में एरिया, एरिया क्या होगा? एल स्क्वेयर अपॉन में लेंथ, लेंथ क्या होगी? एल, एल से एक एल कैंसिल, देन रो विल बी इज इक्वल्स टू एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। क्या आ जाएगी? एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास
फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी कि हम रो का एक और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कहां से, आर से ही, तो हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी यानी कि रो। ये कह रहा है एज वी नो, हमें पता है एज आर इज इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस आर क्या आया था हमारे पास, एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉक टाउ एल बाई ए, क्या आया था हमारे पास रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से निकाला था हमने, आर इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉक टाउ एल बाई ए। आर ऑल्सो इज इक्वल्स टू, आर ऑल्सो क्या है हमारे पास, रो एल बाई ए, दोनों इक्वेशनों को हमने कंपेयर किया तो क्या है हमारे पास, रो एल बाई ए इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉक टाउ एल बाई ए, तो रो क्या आ गई हमारे पास, एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉक टाउ, ये हमारे पास क्या आ गया, रो का फॉर्मूला। क्या ये रो का फॉर्मूला एल और ए पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, रो इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड ए, रो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रो इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, रो इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल ऑफ बॉडी ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी ना कि लेंथ और एरिया पे, यानी कि डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, पर्टिकुलर मटेरियल पे क्या करेगा हमारा, रो डिपेंड करेगा। क्लियर बेटा, रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो डायमेंशन पे लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करती। क्या फॉर्मूला है हमारे पास रो का, एम अपॉन एनी स्क्वायर टॉक टाउ, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉक टाउ। एम हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर शुरू कर रहे हैं, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो एम एंड ई आर कॉन्स्टेंट, एम और ई क्या हो गए हमारे पास कॉन्स्टेंट, तो रो किस पे डिपेंड कर गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टॉक टाउ, रो किस किस पे डिपेंड कर गया, रो डिपेंड्स ऑन एन एंड टॉक टाउ, एन एंड टॉक टाउ, एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड टॉक टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर एन सफर कोलिजन्स फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो रो एक तरह से हमारा मटेरियल पे डिपेंड करेगी, क्योंकि मटेरियल चेंज होते हैं हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे और विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर उसके अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो जाएगा, तो रो डिपेंड कर गया एन पे और टॉर्क टाउ पे। हम क्या कह रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये था हमारे पास रेजिस्टिविटी, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टाउ, ये एवरेज रिलेक्शन टाइम है बेटा, नोटेशन किससे है, जैसे टॉर्क को रिप्रेजेंट करते थे ना हम, वही टॉक टाव है, लेकिन सिर्फ नोटेशन के लिए हम यहाँ पे टाव को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये कहता है ये रो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है और आर किस पे डिपेंड करता है, रो पे, तो एक तरह से अगर हमारी रो चेंज होगी तो क्या चेंज हो जाएगा हमारा, आर भी मटेरियल का चेंज हो जाएगा। ये था हमारे पास रिलेशन और इसके रेजिस्टिविटी रो के बारे में। अब हम निकालेंगे वेरिएशंस इन रेजिस्टेंस, क्या करेंगे हम वापस, वेरिएशंस इन रेजिस्टेंस या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास आर का, आर इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, एल और के क्या है रेजिस्टेंस के लिए, उस कंडक्टर की डायमेंशंस,
एम एन ई स्क्वेयर टाओ को हमने क्या बोला था, रेजिस्टिविटी। हमें इसका इफेक्ट देखना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये कह रहा है अगर हम एल और ए को कांस्टेंट कर दें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाओ, एन ई स्क्वेयर टाओ। एन हमारे पास क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाओ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक कह रहा है, एक तरह से हमारे पास अगर मैं बात करूँ एल ए डायमेंशंस विच आर कैप्ट कॉन्स्टेंट, विच आर कैप्ट कॉन्स्टेंट, हमने उनको क्या कर दिया बेटा, कॉन्स्टेंट कर दिया। क्या कर दिया हमने इसको, कॉन्स्टेंट। तो आर किस पे डिपेंड कर गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ। अब मास एंड चार्ज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, किसके इलेक्ट्रॉन्स के, ऑल्सो क्या होंगे हमारे पास, कॉन्स्टेंट। तो आर क्या आ गया हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एन टाओ, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड टाओ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो कह रहे टेम्परेचर के साथ इनमें कैसे चेंज होगा। फर्स्ट मैं इफेक्ट लेती हूँ किसके कॉरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट हमने लिया फोर कंडक्टर। क्या है हमारे पास, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एन टाओ। ये कह रहा है कंडक्टर के लिए एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो कॉन्स्टेंट, वो क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। सो आर जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम कहें कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी उनके कोलिजन का रेट भी बढ़ जाएगा, कोलिजन का देयर कोलिजन विद विल ऑल्सो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस, कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस इज ऑल्सो इंक्रीज, वो भी बढ़ जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई यानी कि ज़्यादा कोलिजन होंगे तो क्या होगा हमारे पास, देन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम विल बी डिक्रीज, क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो और ये अगर घटेगा देन आर ऑल्सो डिक्रीज, आर इज इंक्रीज, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन रिलैक्सेशन टाइम टॉक टाओ डिक्रीज, इफ टॉक टाओ डिक्रीज देन आर इंक्रीज, क्योंकि आर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टॉक टाओ के। तो अगर हम बात करें किसी भी कंडक्टर की तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ जाएगा। क्लियर बेटा। सेकंड बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की, किसकी बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की, चेंज विद टेम्परेचर सेमीकंडक्टर। हम सबको पता है अभी कि आर क्या है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड एंड रिलैक्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाओ। तो कह रहे हैं फॉर सेमीकंडक्टर इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। बेटा सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। देन एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेट, यानी कि एन इंक्रीज। फिर से हमने देखा ये तो चेंज आया टेम्परेचर के साथ एन में,
साथ में क्या कहा हमने, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टॉक्ट आउट डिक्रीज, यानी कि जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एन की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है। अब हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये कह रहा है एन का इंक्रीमेंट टॉक टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टॉक टाउ का डिक्रीमेंट, अगर दोनों के फैक्टर्स को देखें हम तो नंबर में जो इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स का क्या इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट क्या आया कि वन अपॉन एन टाउ, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है हमारा वो क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। ये फैक्टर भी क्या हो गया, इंक्रीज। ये फैक्टर अगर बढ़ेगा तो आर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ा, एन और टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ हमारा, इंक्रीज। टाउ तो घट रहा था लेकिन एन बढ़ रहा था, बढ़ना ज़्यादा था एज कम्पेयर टू डिक्रीमेंट, तो कंबाइंड इफेक्ट बढ़ा तो आर की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। तो हम क्या इफेक्ट डालेंगे, क्या रिजल्ट निकला, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज डिक्रीज। सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। ये कह रहा है इसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करें, किसको, कंडक्टर्स को। यहाँ से आप रेजिस्टिविटी को भी सेम उसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, रेजिस्टिविटी में भी इफेक्ट आएगा। कह रहा है जैसे हमने इसमें देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा था। हम किसकी बात कर लें, एक बार कंडक्टर की, एक बार इनके ग्राफ बनाते हैं। सेम इफेक्ट रेजिस्टिविटी का आएगा, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ रो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रो क्या होता है हमारे पास, एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉक टाउ, सेम इफेक्ट आएगा। फॉर कंडक्टर इफ टेम्परेचर इंक्रीज, एन ओ रही तो क्या हो गया, एम ओ रही तो क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट। कंडक्टर के लिए एन भी क्या है, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इंक्रीज देन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, सो रो विल बी इंक्रीज, रो विल बी इंक्रीज। तो हमारा ग्राफ आ जाएगा कंडक्टर के लिए रो वर्सेस टेम्परेचर, और हमारा ग्राफ आ जाएगा इंक्रीजिंग। क्लियर बेटा, अगर हम बात करें किसकी, सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर तो क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉक टाउ एवरेज रिलेक्शन टाइम टाउ। तो कह रहा है एम और ई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ा, एन बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम घटा, बट कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ हमारा, इंक्रीज। सो रो क्या हो गया हमारा, डिक्रीज। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा फॉर सेमीकंडक्टर कैसा आ जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर, दो ग्राफ और हैं इसमें किसके लिए, वो भी हम ट्रेस कर लेते हैं एक बार। फोर है नाइक्रोम, ये एलोए है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, किस किस का एलोए है, ये एलोए ऑफ निकल, आयरन एंड क्रोमियम। रेजिस्टिविटी रो वर्सेस टेम्परेचर, ये ग्राफ रहेगा नाइक्रोम के लिए। एंड फोर क्रोमियम और मैग्नेन, हमारी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, वो क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट। हम इन्हीं फैक्ट्स को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे।